أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم सूरह निसा तर्जुमा तफसील 21वां रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को धोखा दिया चाहते हैं, क्योंकि हकीकत में तो अल्लाह को धोखा देना संभव नहीं, और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा। और जब नमाज को खड़े हों ईमान वालों के साथ तो हारे जी से, क्योंकि ईमान तो है नहीं जिससे फरमानबरदारी की लज्जत और इबादत का लुत्फ हासिल हो, केवल दिखावा है। इसलिए मुनाफिक को नमाज बोझ मालूम होती है।
लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा। इस तरह की मुसलमानों के पास हुए तो नमाज पढ़ ली और अलग हुए तो गायब, बीच में डगमगा रहे हैं। कुफ्र और ईमान के, न इधर के और न उधर के, न खालिस मुमिन न खुले काफिर, और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उसके लिए कोई राह न पाएगा। ए ईमान वालों, काफिरों को दोस्त न बनाओ मुसलमानों के सिवा। इस आयत में मुसलमानों को बताया गया कि काफिरों को दोस्त बनाना मुनाफिकों की आदत है, तुम इससे बचो। क्या यह चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिए खुली हुज्जत कर लो, अपने दोगलेपन की और जहन्नम के हकदार हो जाओ? बेशक मुनाफिक दोजख के सबसे नीचे दर्जे में हैं। मुनाफिक का अजाब काफिर से भी सख्त है, क्योंकि वह दुनिया में इस्लाम जाहिर करके मुजाहिदों के हाथों से बचता रहा है। और कुफ्र के बावजूद मुसलमानों को धोखे में रखना और इस्लाम के साथ ठट्ठा करना उसकी आदत रही है, और तू कभी उनका मददगार न पाएगा। मगर वो जिन्होंने तौबा की दोगली प्रवृत्ति से और संवरे और अल्लाह की रस्सी मजबूत थामी और अपना दीन खालिस अल्लाह के लिए कर लिया, तो ये मुसलमानों के साथ है दोनों दुनियाओं में। पारा 5 समाप्त। और जल्द ही अल्लाह मुसलमानों को बड़ा सवाब देगा, और अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम हक मानो और ईमान लाओ, और अल्लाह है सिला इनाम देने वाला जानने वाला। छठा पारा, ला युहिब्बुल्लाह, सूरह निसा जारी। अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात का ऐलान करना, यानी किसी के छुपे हाल का जाहिर करना। इसमें पीठ पीछे बुराई भी आ गई, चुगलखोरी भी। समझदार वह है जो अपने दोषों को देखे। एक कॉल यह भी है कि बुरी बात से गाली मुराद है, मगर मजलूम से कि उसको जायज है कि जालिम के जुल्म का बयान करे। वह चोर या गासिब के बारे में कह सकता है कि उसने मेरा माल चुराया या जबरदस्ती कब्जा किया। एक शख्स एक कौम का मेहमान हुआ था, उन्होंने अच्छी तरह उसकी मेजबानी न की। जब वह वहां से निकला तो उनकी शिकायत करता निकला। इस घटना के बारे में यह आयत उतरी। कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया कि यह आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो के बारे में उतरी। सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपकी शान में एक शख्स जबान दराजी करता रहा। आपने कई बार खामोशी की मगर वह न रुका, तो एक बार आपने उसको जवाब दिया। इस पर हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। हजरत सिद्दीके अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, यह शख्स मुझको बुरा भला कहता रहा तो हुजूर ने कुछ न फरमाया? मैंने एक बार जवाब दिया तो हुजूर उठ गए। फरमाया, एक फरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, जब तुमने जवाब दिया तो फरिश्ता चला गया और शैतान आ गया। इसके बारे में यह आयत उतरी, और अल्लाह सुनता जानता है। अगर तुम कोई भलाई खुले आम करो या छुपाकर, या किसी की बुराई से दरगुजर क्षमा करो, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला कुदरत वाला है। तुम उसके बंदों को माफ करो, वह तुम्हें माफ फरमाएगा। हदीस में है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। वो जो अल्लाह और उसके रसूलों को नहीं मानते और चाहते हैं कि अल्लाह से उसके रसूलों को अलग कर दें, इस तरह कि अल्लाह पर ईमान लाएं और उसके रसूलों पर न लाएं, और कहते हैं हम किसी पर ईमान लाएं और किसी के इनकारी हुए। यह आयत यहूदियों और ईसाइयों के बारे में नाजिल हुई कि यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया, और चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के बीच में कोई राह निकाल लें। यही है ठीक ठीक काफिर। कुछ रसूलों पर ईमान लाना उन्हें कुफ्र से नहीं बचाता, क्योंकि एक नबी का इनकार भी सारे नबियों के इनकार के बराबर है, और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और वो जो अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी पर ईमान में फर्क न किया, उन्हें जल्द ही अल्लाह उनके सवाब देगा। बड़े गुनाह करने वाले भी इसमें दाखिल है, क्योंकि वह अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान रखता है। मुतज़िला सिर्फ कबीरा गुनाह करने वालों के लिए अजाब दिए जाने का अकीदा रखते हैं। इस आयत से उनके इस अकीदे का रद्द किया गया, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यह आयत सिफाते फ़ेलिया जैसे कि मगफिरत व रहमत के कदीम होने को प्रमाणित करती है।
क्योंकि हुदूस के मानने वाले को कहना पड़ता है कि अल्लाह ताला माजल्लाह अजल में गफूर व रहीम नहीं था, फिर हो गया। उसके इस कॉल को यह आयत बातिल करती है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।